हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. दोस्तों फ्रेंड्स, माय नेम इज अविनाश अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस एवरीडे इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल ऑफ माइन. सो आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल टू डिस्कस अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉट ऑफ करंट अफेयर्स विद यू फॉर वेरियस एग्जामिनेशन सच एज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट PCS, RBI एक्सेट्रा. दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग अवर अटेंशन ऑन 12 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर. दोस्तों, एज यू कैन सी दैट आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एज यूजुअल टू डिस्कस विद यू. हम बात करेंगे दोस्तों US इंडिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के बारे में. हम बात करेंगे सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑन इंडो पाक बॉर्डर, राइट. उसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू अ न्यू इंडेक्स विच हैज बीन लॉन्च्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीरियस टॉपिक्स विच आर पर्टेनिंग टू जनरल स्टडीज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सच एज द US इंडिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, इंडिया का लर्निंग पॉवर्टी का इशू, कोस्टल इरोजन का इशू, हिंदी के ऊपर जो विवाद चलने लग रहा है कि क्या हिंदी कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, EBCAS प्रोजेक्ट एज वेल एज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. दोस्तों, बिफोर आई मूव अहेड, इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट अन अकेडमी कैन हेल्प यू इन टेकिंग यू टू योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर. दोस्तों, वी आर प्रोवाइडिंग यू कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस कोर्सेज, 1:1 लाइव मेंटोरशिप थ्रू अवर प्लस कोर्सेज. दोस्तों, देर दिस ईस्टर स्पेशल ऑफर विच इज गोइंग ऑन, विच इज वैलिड टिल टुमारो. यू कैन यूज माई एडुकेटर कोड अवी UPSC, दैट इज AVI UPSC, एंड यू कैन एनरोल इन टू अवर कोर्सेज. लेट अस सी दैट यू एनरोल इन टू अ 12-month कोर्स, यू विल गेट अ 3-month फ्री एक्सटेंशन. दोस्तों, दिस इज अवेलेबल विथ माई एडुकेटर कोड अवी UPSC. दोस्तों, राइट, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज, यू कैन प्रिपेयर फॉर सीसेट, यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल वाया द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. दोस्तों, राइट, देर इज दिस मेगा कॉम्बैट दैट वी आर हैविंग एवरी संडे विच इज लाइक अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको रैंक मिलता है. ये लाइव टेस्ट होता है दोस्तों, राइट. 28 टेस्ट इन 2 months जो है आपको दिए जाने लग रहे हैं. दोस्तों, यू कैन विन फ्री प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट विच विल टेक प्लेस ऑन 17th of April. सो यू कैन एनरोल फॉर फ्री. अगेन, यू हैव टू यूज माई एडुकेटर कोड अवी UPSC, दैट इज AVI UPSC, फॉर एनरोलिंग इन टू दिस कॉम्बैट. देर दिस अन अकेडमी लाइट टेस्ट सीरीज विच इज अवेलेबल. दोस्तों, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट सीरीज एज वेल, राइट. देर इज GSAT, देर इज सिविल सर्विसेज बैचेज विच आर बींग लॉन्च्ड ऑन April 13th. यू कैन पार्टिसिपेट इन दीज बैचेज, एज यू कैन सी दैट दे आर अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एज वेल एज इन bilingual कैटेगरी. दोस्तों, ऑप्शनल कोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग लॉन्च इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट. यू आर ऑल्सो गेटिंग लोन फ्रॉम अन अकेडमी एट 0% EMI. यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन टूडे विदाउट एनी फर्दर डिले. दोस्तों, देर इज अ फ्री एंड अ कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. सो 170+ टॉपर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम लास्ट ईयर, एंड वी एक्सपेक्ट दैट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द सेम दिस ईयर. होपफुली वी विल ऑल्सो बी हैविंग यू इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. दोस्तों, राइट, सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन रिगार्डिंग करंट अफेयर. दोस्तों, सो इफ यू कैन हियर मी, इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. दोस्तों, इफ यू कैन हियर मी, इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट गाइस, गुड इवनिंग स्नेहाशीष, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन द लेक्चर, राइट. सो लेट अस बिगिन स्नेहाशीष. सो द आइडिया इज दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग, राइट, इज रिलेटेड टू द 4th US India 2+2 ministerial dialogue. Dosto, so the objective fact that needs to be kept in mind is that this is the 4th dialogue. Objective fact that needs to be kept in mind is that this has taken place in Washington DC, right. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के साइड से वो थे एंथनी ब्लिंकन, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे वो थे लॉयड ऑस्टिन. दोस्तों, सो जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं इंडिया के अंदर, वैसे अमेरिका के अंदर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं. दोस्तों, इक्वलेंट प्रकार की पोस्ट होती है, आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का रोल इंडिया के अंदर है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रोल अमेरिका के अंदर है. तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और उनके जो काउंटर पार्ट है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट करा था, और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉयड जे ऑस्टिन III, उन्होंने इस डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट करा था. दोस्तों, राइट, उसके अलावा दोस्तों एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बिटवीन मोदी जी एंड बाइडेन बिफोर द डायलॉग बिगैन. दोस्तों, राइट, अब देखिए यहां पर कैसा है ना कि आपको अमेरिका और इंडिया के बारे में कभी भी रिलेशनशिप के बारे में कभी लिखने का मौका मिले यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट PCS एग्जामिनेशन के अंदर, राइट, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को बताने आने चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, वी आर ऑल्सो कमिटेड टू डेमोक्रेसी, वी आर ऑल्सो कमिटेड टू हैविंग अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. इवन अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी एंड इवन अमेरिका इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. दोस्तों, राइट, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज होने लग रहे हैं, राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज अ थ्रेट, राइट, टेररिज्म इज अ थ्रेट, क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट, तो बहुत सारे एरियाज के अंदर हमारे इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज होने लग रहे हैं. दोस्तों, इट इज 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विच आर गेटिंग सेलिब्रेटेड. दोस्तों,
राइट हम दोनों ही कंट्री दोस्तों जो है एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे कंट्रीज कुछ नियमों का पालन करके, कुछ रूल्स रेगुलेशंस का पालन करके जो है चला करे दोस्तों। दिस इज वॉन्ट वी वॉन्ट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट। उसके अलावा दोस्तों राइट देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट एरियाज, अदर एरियाज ऑल्सो, जैसे सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, राइट। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स विच आर रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये प्रकार के वर्ड्स आपके आंसर में रहेंगे तो आपके आंसर के अंदर वजन रहेगा दोस्तों, राइट। वॉट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन? यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस करा गया है, जो यूक्रेन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर चलने लग रहा है बिकॉज ऑफ रशियाज अग्रेशन इन यूक्रेन, वो डिस्कस करा गया है दोस्तों, राइट। उसके अलावा जो सिविलियन डेथ्स है उसको कंडेम करा गया है, राइट। यूएन चार्टर को, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करने की बातों को जो है अपहोल्ड करा गया है। किसी भी कंट्री की सॉवरेंटी यानी कि इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने के बारे में हमने जो है यहां पर बात करी है दोस्तों, राइट। इंडिया जो है परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। सो उसके अंदर अमेरिका हमारे को सपोर्ट करने वाला है, ये प्रकार का जो है अनाउंसमेंट अमेरिका ने करा है, राइट। इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर एंटर होना चाहता है ताकि जो सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, जो सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग जो है बूस्ट कर सके, उसके अंदर हमारा साइंस एंड टेक कोलैबोरेशन दुनिया के साथ बढ़ सके। सो वी वांट एंट्री टू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो अमेरिका जो है दोनों चीजों के अंदर इंडिया को सपोर्ट करने लग रहा है, एंट्री इंटू सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एंट्री इंटू न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दोस्तों, राइट। उसके अलावा दोस्तों इंडिया ने भी कमिटमेंट करा है कि मल्टीलैटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करते रहेंगे दोस्तों, राइट। उसके अलावा जो है एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स के अंदर इंडिया पार्टनरशिप करने वाला है विद यूनाइटेड नेशन, राइट। सो इंडिया जो है पीस कीपिंग मिशन के अंदर हमेशा से दोस्तों जो है काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करा है, राइट। प्रशांत गुड इवनिंग, और आगे भी एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि इंडिया इसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करता रहेगा दोस्तों, राइट। ये जो मिनिस्टर्स है इन्होंने रिकॉल करे इनिशिएटिव्स जो कि यूएस और इंडिया के फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर जो आउटलाइन करे गए हैं। कंटिन्यूड कोऑपरेशन का इन्होंने बात करा है दोस्तों, राइट। सो यूएस ने एक्सप्रेस करा है ग्रेटिट्यूड टू इंडिया फॉर इट्स असिस्टेंस विद द डिफेंस पीओडब्ल्यू एमआईए अकाउंटिंग एजेंसी मिशन इन द कंट्री दोस्तों। तो ये जो मिनिस्टर्स है इन्होंने रीअफर्म करा है, राइट, कि ये प्रकार से कोऑपरेशन आगे चलता रहेगा। ये एक मैटर था। दूसरा मैटर दोस्तों ये है कि आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट करा है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इसका जो लोकेशन है ये ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, इट इज एट इंडो पाक बॉर्डर दोस्तों, राइट। सो ऑब्जेक्टिवली ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसे किसे इनॉग्रेट करा है, राइट। ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। इसका एम क्या है दोस्तों कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी देना टू ऑब्जर्व द लाइफ एंड वर्क ऑफ बीएसएफ पर्सनल दोस्तों। तो बीएसएफ की लाइफ के बारे में, बीएसएफ के चैलेंजेस के बारे में लोगों को ज्यादा बेहतर जानकारी होगी थ्रू दिस काइंड ऑफ सीमा दर्शन प्रोजेक्ट दोस्तों, राइट। जो टूरिस्ट है वो मिसाइल्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा को भी देख पाएंगे जो कि आर्मी और बीएसएफ यूज करने लग रही है दोस्तों। इसका जो लोकेशन है, राइट, सो वो है आपका नादाबेट दोस्तों, नादाबेट के अंदर ये लोकेटेड है, इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात दोस्तों। सो ऑब्जेक्टिवली ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगेन बात यही है दोस्तों कि जो लाइफस्टाइल ऑफ बीएसएफ पर्सनल है, जो उनके चैलेंजेस हैं, राइट, जो उनका कमिटमेंट है टू द मदरलैंड, ये सारी चीजों के बारे में हम जो है डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों, राइट। बॉर्डर टूरिज्म का आइडिया जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने सजेस्ट करा था दोस्तों, और ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है, सो इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करा गया है 125 करोड़ रुपीज को स्पेंड करके बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट दोस्तों। अगर बीएसएफ का बेसिक डिटेल आपको बताया जाए तो बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 1965 के अंदर इसे फाउंड करा गया था आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर, राइट। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल हाल फिलहाल में है दैट इज पंकज कुमार सिंह दोस्तों। ये नाम कभी भी चेंज हो सकता है, इस नाम को आपको अपडेटेड रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा छोटा मैटर ये है दोस्तों कि रविचंद्र अश्विन जो है ही इज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू गेट रिटायर्ड आउट इन आईपीएल हिस्ट्री। वो थक गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो बिना अंपायर की परमिशन दिए, बिना ऑपोजिशन टीम के कैप्टन की परमिशन लिए उन्होंने जो है फील्ड छोड़ दी, उसे रिटायर्ड आउट माना जाता है दोस्तों, राइट। सो ये प्रकार से जो है सारी चीजों को करा गया दोस्तों, राइट। उसके अलावा दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैक 3 स्क्वाड्रन को जो है कमीशन करा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा दोस्तों, राइट। तो इसके जो कोस्ट की सुरक्षा जो होगी उसके अंदर हमारे को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जो आपका ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर है दोस्तों, राइट। सो द आइडिया इज दोस्तों कि एचएएल जो है बिल्ड एंड डिलीवर करने लग रहा है हेलीकॉप्टर टू द कोस्ट गार्ड दोस्तों। तो ये कोस्ट गार्ड की मदद करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों इससे ज़्यादा डिटेल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स जो कोस्ट गार्ड है वो मैरीटाइम सर्वेलेंस एज वेल एज रिसर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन एक्सेट्रा प्रकार के प्रोसीजर्स के लिए इन चॉपर्स की मदद लेगा दोस्तों. राइट सुजाता, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सुजाता. राइट, सो इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या है दोस्तों कि ये जो आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है दोस्तों, HAL का जो ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ऑफकोर्स वो HAL ने डेवलप करा है. राइट, सो HAL ध्रुव डेवलपमेंट वॉज कन्फर्म्ड इन 1984 दोस्तों. राइट, हेलीकॉप्टर 1992 से जो है हमारे को सर्विस देने लग रहा है दोस्तों. राइट, उसके बाद जो है इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे हैं दोस्तों, काफ़ी डेवलपमेंट्स करे हैं, क्योंकि जो 1998 के अंदर इंडिया ने पोखरण टेस्ट करा था उसके बाद से जो है हमारे पास ये प्रकार की टेक्नोलॉजी देना लोगों ने बंद कर दिया हमारे को, तो हमने खुद ब खुद जो है हमने हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है दोस्तों. राइट, ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर दो शक्ति इंजन लगे हैं दोस्तों, सर्वेलेंस रडार लगा है. आप देख सकते हैं कि आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों. ठीक है, तो ये हो गई एक कहानी. एक और कहानी ये है दोस्तों, दिव्यांगजनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कदम करके इंडिया का पहला इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को डेवलप करा गया है IIT मद्रास द्वारा. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कदम, ये पूछा जा सकता है कि ये किसने डेवलप करा है. ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों. राइट, सो ये जो डेवलप करा गया है, ये डेवलप करा गया है विद कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी दोस्तों. ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दोस्तों. अगर आप मान लीजिए कि कभी भी डिसेबल्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं. लेकिन अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या योगदान रह सकता है उनके लाइफ के अंदर, उसके बारे में भी अगर आप बात कर सकते तो दैट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों. राइट, सो IIT मद्रास के अंदर देयर इज TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट, R2D2 जिसे बोला जाने लग रहा है दोस्तों, R2D2. ठीक है, तो इसके अंदर ये प्रकार से हमने काम करा है दोस्तों. तो ये R2D2 दोस्तों, फर्स्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर अराइज, नियोफ्लाई नियो बेल्ट एक्टिव व्हील चेयर मोटराइज एड ऑन, तो ये सारी प्रकार की चीज़ों को इन लोग जो है काफ़ी टाइम से डेवलप जो है करने लग रहे हैं दोस्तों. तो अच्छा काम करने लग रहे हैं दोस्तों, देखकर अच्छा लगता है, सुनकर अच्छा लगता है, पढ़ के खुशी होती है दोस्तों. राइट, उसके अलावा दोस्तों आसाम के पोएट है नीलामणि फुकन. राइट, उनके ऊपर कन्फर करा गया है 56th ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों. तो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है दोस्तों हिमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कंट्री का ये जो हाइएस्ट लिटररी अवार्ड है वो जो है आसाम के पोएट नीलामणि फुकन के ऊपर जो है कन्फर करा है दोस्तों. राइट, सो इस अवार्ड के अंदर साइटेशन है, शॉल है, 11 लाख रुपया भी है दोस्तों. राइट, सो ये जो है 80+ जो है राइटर हैं दोस्तों. ठीक है, और पद्मश्री अवार्डी है दोस्तों, इन्होंने साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी जीत रखी है. राइट, सो काफ़ी अवार्डेड राइटर है दोस्तों, आप बेसिक बात को ये ध्यान में रखिएगा. उसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है इनॉग्रेट करा है आपका माधवपुर घेड़ फेयर दोस्तों. राइट, सो ये 5 डे लॉन्ग फेयर है पोरबंदर गुजरात के अंदर. ठीक है, इसके अंदर गुजरात गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है. सेलिब्रेट करा जाता है यूनियन ऑफ कृष्णा एंड रुक्मणी दोस्तों, ये कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों. उसके अलावा दोस्तों नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज हुआ है, उसके अंदर गुजरात ने जो है टॉप मार दिया है. राइट, तो ये प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सो लॉन्च करा गया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 दोस्तों. ठीक है, तो इसके अंदर स्टेट्स के जो है 6 पैरामीटर्स के ऊपर दोस्तों, कुल मिला के 6 पैरामीटर्स के ऊपर जो है स्टेट को रैंक करा गया है. डिस्कॉम परफॉर्मेंस, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी रिलायबिलिटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स, ऐसे करके 6 पैरामीटर्स के ऊपर जो है ये इंडेक्स को जो है लॉन्च करा गया है दोस्तों. इस इंडेक्स के अंदर ये जो 6 पैरामीटर्स है इनके अंदर जो है 27 इंडिकेटर्स को जो है हमने लपेट रखा है दोस्तों. ठीक है, स्टेट्स और यूटीज को रैंकिंग दिया है. राइट, अब जैसे हमने क्या करा है कि स्टेट्स और यूटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया दोस्तों, फ्रंट रनर अचीवर एज वेल एज एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया दोस्तों. तो ये जो आपका फ्रंट रनर अचीवर और एस्पिरेंट है दोस्तों, ये शायद हमने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो नीति आयोग रिलीज करती है इंडिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसके अंदर भी शायद हमने पढ़ रखा है. एम आई करेक्ट प्रशांत सुजाता यश स्नेहाशीष कि ये प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है ये हमने उस इंडेक्स के अंदर भी पढ़ रखा है दोस्तों. ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि जो आपकी लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी है उसके अंदर आपका गुजरात जो है उसने टॉप मार दिया है, जो आपके स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर उसके अंदर आपका गोवा ने टॉप मार दिया. तो आप ऐसे जी जी करके याद कर सकते हैं दोस्तों.
राइट, दो स्टेट है इंडिया के अंदर जिनका नाम जी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही दोनों टॉप के ऊपर है ना। और जो यूटीज है उसके अंदर दोस्तों चंडीगढ़, जहां पर मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स बैसे हैं दोस्तों, राइट, तो चंडीगढ़ जो है उन्होंने टॉप कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रकार से आपको ये चीज को याद जो है करना पड़ेगा। आगे आने वाला एक और टॉपिक रहेगा, उसके अंदर हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ के बारे में ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे बात करना जो है एक कंपलसरी है दोस्तों, राइट। तो हम लोग अभी वापस बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। तो उन्होंने हेलिना को जो है टेस्ट कर दिया दोस्तों, हेलिना को। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हेलिना क्या है दोस्तों, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है दोस्तों, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दोस्तों। तो जो डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने जो है कंडक्ट करा है फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ATGM हेलिना दोस्तों, राइट। तो ये जो है कंडक्ट करे गए थे फ्रॉम योर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव से करे गए दोस्तों, राइट। और टारगेट्स वारगेट्स को जो है पोखरण डेजर्ट रेंज राजस्थान के अंदर इन्होंने सारी चीजों को ये करा है दोस्तों। नाउ हेलिना को जो है दोस्तों मोस्ट एडवांस्ड प्रकार का एंटी टैंक वेपन माना जाता है दोस्तों। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 7 किलोमीटर दोस्तों, 7 किलोमीटर दूर टैंक को उड़ा देगा दोस्तों। और इसे डेवलप करा गया है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा, राइट। बेसिक बातें ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो डीआरडीओ के चेयरपर्सन है वो जी सतीश रेड्डी है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और 1958 के अंदर इसे एस्टेब्लिश करा था दोस्तों, राइट। तो हेलिना GS3 क्या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, राइट, DRDL हैदराबाद, जी सतीश रेड्डी, न्यू दिल्ली, 1958 दोस्तों। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मोदी जी ने उमिया माता टेम्पल का फाउंडेशन डे के ऊपर एड्रेस कराया, गुजरात के जूनागढ़ के अंदर ये लोकेटेड है। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो स्टेट है दोस्तों, राइट, हमारा जो स्टेट है कर्नाटका, तो उन्होंने विकास सिरी संपत 1111 स्कीम को इंट्रोड्यूस करा है दोस्तों, राइट। तो ये जो स्कीम है दोस्तों ये एक डिपॉजिट स्कीम है दोस्तों, 5.7% इंटरेस्ट पे करने वाली जनरल पब्लिक को, 6.2% इंटरेस्ट पे करने वाली है ये सीनियर सिटीजन को दोस्तों। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 10,000 का है, मैक्सिमम डिपॉजिट 2 crore का है दोस्तों, राइट। तो ये जो है कर्नाटका विकास ग्रामीणा बैंक दोस्तों, कर्नाटका विकास ग्रामीणा बैंक यानी कि KVGB, इन्होंने इस चीज को जो है लॉन्च करे हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों छोटा मैटर ये है कि प्लेयर ऑफ द मंथ तो ICC का हर महीने आता है दोस्तों, राइट। तो बाबर आजम और रेचल हेन्स जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी के अंदर जो है शामिल करे गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते, राइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट करा जाता है ऑन 12th of April यानी कि आज दोस्तों, राइट। तो ये इसीलिए सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि दिस वाज द इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गैगरिन। ये हुआ था अप्रैल 12, 1961 को दोस्तों, राइट। सो 2011 के अंदर हमने इस डे को रिकॉग्नाइज करा था, राइट, जस्ट एट द टाइम ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस फ्लाइट दोस्तों, राइट। सो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स भी सेलिब्रेट करा जाता है सोवियत यूनियन के अंदर। सोवियत यूनियन का इससे लेना देना ये है दोस्तों कि जो यूरी गैगरिन थे वो सोवियत यूनियन को बिलोंग करते थे दोस्तों। उसके अलावा आपके एक्टर स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमणियन का निधन हो गया दोस्तों, राइट। हिचकी, टू स्टेट्स, नेल पॉलिश, इस प्रकार की अच्छी फिल्मों के अंदर उन्होंने योगदान दिया था दोस्तों। नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ऑब्जर्व करा जाता है 11 अप्रैल को दोस्तों, राइट, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया का जो है इनिशिएटिव है, ठीक है। जो 11 अप्रैल है वो कस्तूरबा गांधी का भी जो हैप्पी बर्थडे है दोस्तों, राइट, एंड शी इज द फाइफ ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। तो मैं यही सोचा था अगर गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है तो फिर कस्तूरबा गांधी को भी मदर ऑफ द नेशन मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, राइट। उसके बाद जो है दोस्तों आता है आपका वर्ल्ड पार्किंसंस डे दोस्तों, तो ये 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करा जाता है। ये बर्थडे डॉक्टर जेम्स पार्किंसन का फ्रॉम लंडन, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करा था 6 इंडिविजुअल्स जिनके पास पार्किंसन डिजीज थे। उसके अलावा दोस्तों अप्रैल का जो महीना है उसे पार्किंसन अवेयरनेस मंथ के तौर के ऊपर भी जो है ऑब्जर्व करा जाता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपके शहबाज शरीफ जो है वो 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। ये नंबर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। अब जो शहबाज शरीफ है दोस्तों, राइट, ये 70 ईयर ओल्ड अब प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इमरान खान को सक्सीड करा है। आज सुबह वाली हमारी एडिटोरियल क्लास दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं फ्री एडिटोरियल क्लास आपके लिए कंडक्ट करता हूँ 7 AM इन द मॉर्निंग एवरी डे। उसी क्लास के अंदर दोस्तों हमने आज पाकिस्तान के पूरे मैटर को डिस्कस करा है, द हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस करा है दोस्तों, राइट। तो शहबाज शरीफ जो है भाई है नवाज शरीफ के दोस्तों, राइट। पाकिस्तान का भी जो बेसिक डिटेल है यहां पर दे रखा है, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है अरिफ अलवी, उसका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। थोड़े से बड़े टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा इनडेप्थ डिस्कस करा जाए दोस्तों,
तो आज के दिन सबसे बड़ा टॉपिक है फोर्थ एन्युअल। तो एन्युअल का मतलब ये कि जो 2+2 डायलॉग हो रहा है ये एन्युअल डायलॉग है दोस्तों। ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस बार होल्ड करा गया है दोस्तों। अब जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो बंदे हमारे, दो बंदे उनके जो है बैठते हैं और बातचीत करते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर दोस्तों, राइट। जो है हम लोग एक दूसरे के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, राइट, सारी चीजों के अंदर साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इंडिया जो ये 2+2 प्रकार का डायलॉग करता है चार इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्रीज के साथ करता है दोस्तों, राइट। वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये चारों कंट्रीज के नाम आपको मालूम होने चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बड़े आराम से पूछ सकता है कि 2+2 प्रकार का फॉर्मेट इंडिया कौन से कंट्रीज के साथ करता है दोस्तों, राइट। तो आप लोगों को जो है ये नाम जो है याद होने चाहिए दोस्तों। जुआर करके याद कर लीजिए, जुआर, J फॉर जापान, U फॉर US, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड R फॉर रशिया दोस्तों। जुआर करके याद कर लीजिए कि गलती से भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों, राइट, जुआर, ठीक है। या आपके पास राजू, राजू बेटर है दोस्तों, राजू कभी नहीं भूलोगे, है ना, इधर उधर कर दो इसको। तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो है राजू के साथ जो है हमारा 2+2 डायलॉग है दोस्तों। और राजू के साथ अगर किसी और को ऐड कर दे तो राजू के साथ उसको भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। मेरे को बड़ा डर लगता है दोस्तों ये प्रकार के करंट अफेयर से, क्या ना कभी कुछ पूछ ली और फिर बाद में शर्म आएगी दोस्तों कि ये भी नहीं मालूम है दोस्तों। तो अभी वो याद करे तो करे कैसे, तो राजू करके याद कर लीजिए दोस्तों, राइट। सो ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2+2 डायलॉग माना जाता है। 2018 के अंदर हमने स्टार्ट करा था। हमारे एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, एक दूसरे के प्रति इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को ये जो है रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, राइट। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इस डायलॉग के अंदर रेंज ऑफ इश्यूज डिस्कस करे गए हैं, चाहे कोविड हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे फूड हो, चाहे एनर्जी सप्लाई हो, हर प्रकार के टॉपिक को जो है डिस्कस करा जाता है, राइट। जो काटसा है दोस्तों, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, उसके ऊपर अमेरिका ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है दोस्तों। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका ने इंडिया को धमका के रखा हुआ है कि अगर तुमने रशिया से ज्यादा मिलिट्री सामान खरीदे या रशिया को ज्यादा मिलिट्री सामान में एड करे तो तुम्हारे ऊपर जो है काटसा के सैंक्शंस लगाएंगे, यानी कि तुम्हारे को इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। तो यूएस की धमकी के बावजूद इंडिया ने जाकर जो है रशिया से मिलिट्री सामान खरीद लिया है दोस्तों। तो अभी यूएस ने धमकी दे रखी है कि काटसा लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, और इंडिया ने बोला कि काटसा लगाना मत, अच्छा नहीं होगा। तो अभी तो कोई डिसीजन आया नहीं है दोस्तों कि काटसा इंडिया के ऊपर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करी गई है, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो है पार्टनरशिप की बात करी गई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एंड करना है, राइट, इंडो पैसिफिक ओशन को फ्री एंड ओपन रखना है, चाइना की जो दादागिरी चलने लग रही है ना, चाइना दूसरे दूसरे कंट्रीज के सॉवरेंटी के ऊपर जो है अटैक करने लग रहा है, राइट, खुद का कुछ भी करने लग रहा है, तो ये सारी चीजों के बारे में जो है बातचीत करी गई है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ब्लू डॉट नेटवर्क एज वेल एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई है। ये ब्लू डॉट नेटवर्क एज वेल एज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, कभी ना कभी इनको भी डिस्कस करवा दूंगा दोस्तों। लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन के बारे में बात करी गई है दोस्तों। ऑलरेडी जो है हमने इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, साइबर, स्पेशल फोर्सेस, हम लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन कर रहे हैं दोस्तों कि उनकी शिप्स हमारे पोर्ट्स के ऊपर आ सकती है, हमारी शिप्स उनके पोर्ट्स पे जा सकती है, उनके एयरक्राफ्ट हमारे पोर्ट्स पे आ सकते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट उनके पोर्ट्स पे जा सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये लॉजिस्टिक्स के अंदर तो हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर ही रहे हैं लेमोवा के थ्रू, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। उसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है डिफेंस वगैरह के अंदर भी आपस में कोऑपरेट करने लग रहे हैं दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूएस हमारे को डिफेंस टेक्नोलॉजी दे सकता है, हम लोग यूएस से डिफेंस का सामान खरीद सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रकार से इसको और ज्यादा तेज करने की बात यहाँ पर जो है करी जाती है। स्पेस के डोमेन के अंदर दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा गया है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में कि स्पेस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होने लग रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे। उनके पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास भी सैटेलाइट्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे दोस्तों, कोऑपरेट करेंगे दोस्तों, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। साइबर स्पेस के डोमेन के अंदर कोऑपरेशन को डीपेन करने की बात करी गई है ताकि कैपेबिलिटीज को डेवलप करा जा सके इन बोथ वॉर फाइटिंग डोमेन्स दोस्तों, राइट। सिचुएशन इन अफगानिस्तान के बारे में डिस्कशन हुआ है कि क्या रेमिफिकेशन है, जहां पर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है तो क्या रेमिफिकेशन है, नेबरहुड के लिए क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में बात करी गई है, राइट। उसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया के नेबरहुड के अंदर श्रीलंका के अंदर बहुत भारी प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस चला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रकार का क्राइसिस चला हुआ है, तो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी जो है हमने बातचीत आपस में एक दूसरे के साथ करी है दोस्तों। तो अगर मैं आपको क्विकली आगे बढ़ने के पहले रिवाइज करवा दूं, राइट, तो रेंज ऑफ इश्यूज को डिस्कस करा गया है, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को डिस्कस करा गया है, लॉजिस्टिक कोऑपरेशन को जो है डिस्कस करा गया है,
इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन वुक्रेन के मैटर को जो है डिस्कस करा गया है, स्पेस के मैटर को डिस्कस करा गया है दोस्तों, साइबर स्पेस के मैटर को डिस्कस करा गया है, सिचुएशन इन अफगानिस्तान को डिस्कस करा गया है, नेबरहुड को डिस्कस करा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को जो है यहाँ पर डिस्कस करा गया है। ऑब्वियसली मीटिंग सिग्निफिकेंस है, कॉम्प्रीहेंसिव रिव्यूज है बहुत सारे इश्यूज का, प्लस इंडिया यूएस का जो बायलैटरल एजेंडा है उसका भी रिव्यू है दोस्तों, जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स रीजनल डेवलपमेंट्स होने लग रहे हैं उसका सारा सारा रिव्यू इन प्रकार के मीटिंग्स के थ्रू जो है होता है दोस्तों। अब जो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप है वो बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज है दोस्तों। शेयर्ड वैल्यूज क्या है कि हमारे को भी डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम पसंद है और उनको भी पसंद है दोस्तों, राइट। तो इसीलिए हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत बातचीत करते हैं दोस्तों। उसके अलावा हमारा जो बायोलेटरल एंगेजमेंट है दोस्तों, राइट, तो हमारी ग्लोबल लेवल के ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे कोई भी एरिया हो वहां पर हम लोग दोनों का एक दूसरे के साथ आपस में अच्छा रिलेशनशिप है दोस्तों। रेगुलर एक्सचेंजेस होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से उधर मिलते हैं, उनके प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, बायोलेटरल भी मिलते हैं, मल्टीलेटरल फोरम पे भी मिलते हैं दोस्तों। तो बहुत ऐसे हर एक रेंज ऑफ इश्यू है दोस्तों, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रेड हो, हेल्थ हो, इकोनॉमिक्स हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक इशू है, सारे इश्यूज के ऊपर जो हमारा डीप अंडरस्टैंडिंग है यूएस के साथ, डीप वर्किंग रिलेशनशिप है दोस्तों, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्षेत्र की बात करें दोस्तों, राइट, तो कई सारे गाइडिंग अग्रीमेंट्स है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यू फ्रेमवर्क है फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, इसे 2015 के अंदर 10 साल के लिए रिन्यू करा गया था। उसके अलावा मेजर डिफेंस पार्टनरशिप है जिसे 2016 के अंदर फॉर्म अप करा गया था, राइट। ये जो है हमारे पास सेवरल डिफेंस अग्रीमेंट्स है दोस्तों, जैसे ये लिमुआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 2016 में साइन करा था, राइट। डिफेंस इनोवेशन यूनिट का जो यूएस के साथ जो है उसके साथ हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है दोस्तों, राइट। उसके अलावा इंडियन डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस है दोस्तों। उसके अलावा हमारा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट यानी कि सिस्मोआ है। उसके अलावा हमारा इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है। उसके अलावा हमारा बेका है दोस्तों, बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये है दोस्तों डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला अरीना है उसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार के अग्रीमेंट्स है बिटवीन इंडिया एंड यूएस टू गाइड द रिलेशनशिप इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों। अब जैसे बहुत सारी बायोलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो इंडिया यूएस के साथ करने लग रहा है, राइट, 2019 के अंदर स्टार्ट करा था टाइगर ट्रायम्फ दोस्तों। बायोलेटरल रीजनल एक्सरसाइज है उनकी आर्मी हमारी आर्मी, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, रिमपैक, रेड फ्लैग दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज, राइट, पैसेक्स दोस्तों, राइट। क्वाड के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लग रहे हैं दोस्तों। क्वाड का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रुपिंग है दोस्तों, राइट, इस क्वाड के माध्यम से जो है हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो इन चारों कंट्रीज ने जो है साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करा था दोस्तों। तो 2019 के अंदर जो है पहली क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग भी हुई थी दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। काउंटर टेररिज्म में जो है कोऑपरेट करने लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह करने लग रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेट करने लग रहे हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर भी जो है अच्छे रिलेशंस है, प्लस माइनस होता रहता है दोस्तों, बट सबसे बड़ा प्लस ये है कि हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाने लग रही है, राइट। चाहे ट्रेड इन गुड्स हो, चाहे ट्रेड इन सर्विसेज हो, यूएस हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इंडिया ने जो है इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमाया दोस्तों, तो उसके अंदर जो है यूएस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बना इनटू इंडिया, है ना। यूएस से 13.82 बिलियन डॉलर्स निकलकर इंडिया में आकर इन्वेस्ट हुए दोस्तों। और जहां तक बात है इंडिया से निकलकर जो पैसा बाहर इन्वेस्ट होता है तो यूएस टॉप 5 डेस्टिनेशंस के अंदर आता है, यानी कि जो भी इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा यूएस के अंदर बहुत जाके लगता है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एनर्जी सेक्टर के अंदर भी बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, डायलॉग होता है दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर दोस्तों इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अग्रीमेंट 2005 से गाइड करने लग रहा है हमारे को, और 10 साल के लिए हमने इस अग्रीमेंट को जो है एक्सटेंड भी कराया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, अच्छा, एजुकेशन पार्टनरशिप के अंदर दोनों कंट्रीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया को सेटअप करा था दोस्तों, राइट। तो ये 1950 से चलने लग रहा है दोस्तों। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा जो है यूएस के अंदर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स के तौर पे काम करने लग रहा है दोस्तों। सो थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक ग्रुप है हमारा इंडियंस का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो ये तो हो गए दोस्तों अच्छे वाले पॉइंट्स दोस्तों। ऑब्वियसली बात है देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ फ्रिक्शन वाले पॉइंट्स जो कि आपको बताने चाहिए दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड डील है, हम लोग अग्री नहीं कर पा रहे दोस्तों ट्रेड डील के ऊपर,
तो ट्रेड डील में क्या होगा दोस्तों कि इंडिया यूएस से आने वाले आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करेगा, और यूएस इंडिया से आने वाले आइटम्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करेगा। तो ये करने को जो है हम लोग कहते हैं मार्केट एक्सेस देना कहते हैं दोस्तों। मार्केट एक्सेस देने के बारे में जो है दोनों कंट्रीज जो है हिचकिचाने लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम यूएस से आने वाले सामान को मार्केट एक्सेस देंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर नाराज हो सकता है, और यूएस इंडिया से आने वाले सामान को मार्केट एक्सेस देगा तो वहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो नाराज हो सकता है दोस्तों। तो हम दोनों ही अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम दोनों ही ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों। तो यूएस को चिंता है दोस्तों कि उनका ट्रेड डेफिसिट है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि है ना यूएस हमारे को जो है हमारे से इम्पोर्ट ज़्यादा करता है, यूएस हमारे को एक्सपोर्ट कम कर पाता है दोस्तों। तो इसीलिए यूएस के अंदर ट्रेड डेफिसिट चलने लग रहा है वीजा वी इंडिया दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों इंडिया जब डेवलपिंग कंट्री था, गरीब कंट्री था, तो यूएस के मार्केट के अंदर जो है प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला करता था थ्रू जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बना माल आसानी से यूएस के अंदर जाकर बिका करता था। अब इंडिया जब पुअर डेवलपिंग कंट्री था तब ये बेनिफिट मिला करता था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इंडिया अब कोई पुअर डेवलपिंग कंट्री तो है नहीं, तो इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का फायदा क्यों मिलना चाहिए, इंडिया से आए हुए सामान को यूएस के अंदर प्रेफरेंशियल एंट्री क्यों मिलना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने जीएसपी का जो स्टेटस था वो इंडिया का हटा दिया दोस्तों, तो जीएसपी की वजह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया के सामान पर नहीं लगती थी, $6 बिलियन का सामान इंडिया के अंदर से जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस लेता था अमेरिका के अंदर से, वो थोड़ा सा दिक्कत में चला गया दोस्तों। अच्छा, यूएस इंडिया को डब्ल्यूटीओ के अंदर खींच के ले जाता है, इंडिया यूएस को डब्ल्यूटीओ के अंदर खींच के ले जाता है दोस्तों। तो जब भी कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उसको हम लोग बेटर हैंडल नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसेंसस नियर रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम दोस्तों। अब यूएस के अंदर दोस्तों नामचीन कंपनियां, स्ट्रांग कंपनियां हैं, वो चाहते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले कि इंडिया की गवर्नमेंट को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम को और ज़्यादा टाइटन करना चाहिए, ताकि यूएस की कंपनियों को और ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिले, उनको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लंबे समय तक प्रोटेक्ट करने का मौका मिले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर नहीं रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कोई भी कंपनी जो पेटेंट को अब्यूज़ कर रही है मुनाफाखोरी करने के लिए, उस कंपनी को जो है इस प्रकार से सहायता नहीं करनी चाहिए। तो यूएस की कंपनियां, यूएस की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं और इंडिया जो है वो प्रेशर के अंदर दब नहीं रहा है दोस्तों। तो आईपीआर के ऊपर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर भी काफ़ी डिफरेंसेज है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों H-1B वीजाज का इशू है दोस्तों, अब जैसे H-1B वीजा यूएस ने डिनाई करना स्टार्ट कर दिया है, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। तो H-1B वीजा के माध्यम से क्या होता था दोस्तों कि जो इंडिया से वर्कर था वो यूएस जाया करता था टेम्पररी वर्क वीजा के ऊपर दोस्तों, टेम्पररी वर्क वीजा के ऊपर यूएस जाया करता था। अब इससे क्या होता था कि जो यूएस के सिटीजन की जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो उसके हाथ में से निकल जाती थी, और जो इंडियन वर्कर है उसको वो काम मिल जाता था दोस्तों। अब इसकी वजह से अमेरिका का नुकसान होने लग रहा है, अमेरिकन लोग नाराज होते हैं दोस्तों। तो यूएस ने क्या करा कि H-1B वीजा को जो है डिनाई करना स्टार्ट कर दिया, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग दोस्तों। आज ओपन इकोनॉमी अगर है तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैपिटल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बट लेबर का भी मूवमेंट होना चाहिए दोस्तों। और अगर इंडिया से लेबर अगर यूएस जा रहा है दोस्तों तो उससे हमारी कंट्री को जो है बेनिफिट मिलने लग रहा है। तो जब उन्होंने H-1B वीजा देना मना कर दिया तो हमारे को खराब लगा दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों यूएस जापान दे सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ डेटा विद ट्रस्ट, और इंडिया जो है कोई भी डेटा को बाहर जाने नहीं देता। अब जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों कि इंडिया ने मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब एटसेट्रा ये प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ऊपर बैन लगा दिया था कि तुम कोई भी नया कस्टमर इंडिया के अंदर से अब ऑनबोर्ड नहीं करोगे। तो बैन क्यों लगाया था? क्योंकि हम उनको बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे को इंडिया के अंदर अगर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो जो इंडिया का फाइनेंशियल डेटा है उसको इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा, बाहर नहीं लेकर जाना है। अभी जो मास्टर कार्ड है, वीजा है, डाइनर्स क्लब है, ये सब इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं दोस्तों, बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोटा मोटी। तो इन लोग जो है फिर यूएस की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि तुम इंडिया की गवर्नमेंट को समझाओ कि हमारे को डेटा इधर उधर करने दे, कंट्री के अंदर बाहर लेकर जाने दे। यूएस हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हम लोग मानते नहीं है दोस्तों, तो ये प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में भी मैटर है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि यूएस का फार्मर मैकेनिकल फार्मिंग करता है दोस्तों, मशीन बेस्ड फार्मिंग करता है, लार्ज स्केल फार्मिंग करता है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग करता है, दुनिया भर की सब्सिडी लेकर फार्मिंग करता है दोस्तों, तो यूएस क्या चाहता है कि अमेरिकन एग्रीकल्चरल और डेयरी के प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर एंट्री मिलना चाहिए। अब अगर अमेरिकन सामान को इंडिया के अंदर एंट्री देना चालू करेंगे तो बेचारा हमारा छोटा सा फार्मर जो है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी कंपटीशन कर करके कर करके। तो इंडिया क्या करता है कि यूएस के सामान को एंट्री देता नहीं है, और यूएस बोलता है कि एंट्री दो, तो उसकी वजह से टेंशन हो जाती है।
यूएस पाकिस्तान इक्वेशन भी है दोस्तों। इंडिया हमेशा से यूएस को बोलता है कि तुम पाकिस्तान को जो ज़्यादा सर के ऊपर चढ़ा के रखे हो, और यूएस की मजबूरी है पाकिस्तान की तरफ, है ना, क्योंकि अगर कभी भी कल को अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी यूएस को ऑपरेशन करना रहेगा तो उनको जाना पड़ेगा वाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप यूएस के कैसे होनी चाहिए, पाकिस्तान की बदतमीजियों को यूएस को नज़रअंदाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिफरेंसेज है दोस्तों। अब यूएस के बहुत टेंशन है विद ईरान एंड रशिया दोस्तों। तो यूएस के टेंशन है विद ईरान, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम ईरान से जो है ऑयल खरीदना कम कर दो। तो आप मानेंगे नहीं कि इंडिया ने एक्चुअल में ऑयल खरीदना कम कर दिया फ्रॉम ईरान, बिकॉज यूएस प्रेशर डाल रहा था। अब यूएस प्रेशर डाल रहा है कि तुम रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दो, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना कम कर दो, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक तो माना नहीं है दोस्तों इस चीज को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आता है दोस्तों, राइट। उसके अलावा दोस्तों, राइट, इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस वॉन्ट कॉन्सिक्वेंसिस फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, राइट। अगर इंडिया को उन लोग ने साफ बोला है दोस्तों कि अगर तुमने लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन करा विद रशिया, राइट, और आपने यूएस के सैंक्शंस को जो है अवॉइड करने की कोशिश करी, आज यूएस ने क्या करा है दोस्तों कि रशिया के साथ ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया यूजिंग डॉलर्स। तो अब कंट्री जो यूएस रशिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल करेंसी के बेसिस के ऊपर ट्रेड करने लग रहे हैं। तो यूएस ने साफ बोला है दोस्तों कि हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे पर बुरा कंसिक्वेंसिस लेकर आएंगे अगर तुमने लोकल करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन करा दोस्तों, तो राइट। तो इंडिया क्या बोलने लग रहा है दोस्तों कि हम जो है हमारी जो है न्यूट्रल पोजीशन है दोस्तों, राइट, हम ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ना यूक्रेन के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है, ना किसी के साथ है दोस्तों। तो ये प्रकार की न्यूट्रल पोजीशन के वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज खफा है, काफ़ी सारे कंट्रीज जो है नाराज है दोस्तों। सो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया की ये जो एटीट्यूड है जहाँ पर हम फेंस के ऊपर बैठे हैं दोस्तों, ना इधर झुक रहे ना उधर झुक रहे, ये प्रकार के एटीट्यूड से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे से नाराज है दोस्तों, राइट। तो क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को जो भी यूएन के अंदर वोटिंग होने लग रही है वो बोल रहे हैं कि आपको रशिया के अगेंस्ट डालना चाहिए, और इंडिया जो है रशिया के अगेंस्ट वोटिंग डालना नहीं चाहता, ना ही रशिया के फेवर में डालना चाहता है, तो इंडिया वोट ही नहीं डालता है दोस्तों। अब वे अहेड क्या है दोस्तों, वे अहेड ये है कि सबसे पहली बात ये कि जो ये 2+2 प्रकार की मीटिंग है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर जो भी डिफरेंसेज है, जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रोग्रेसेस है उनको जो है मॉनिटर कराया जा सकता है, राइट, और जो इश्यूज है उनको आयरन आउट करा जा सकता है दोस्तों डिस्कशन के माध्यम से दोस्तों। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो डायरेक्शन मिलना चाहिए वो डायरेक्शन भी जो है हम लोग इन डायलॉग्स के थ्रू जो है दे सकते हैं। एनुअल बेसिस के ऊपर डायलॉग है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे रिलेशनशिप के हर एस्पेक्ट को जो है रिव्यू करने के लिए दोस्तों, राइट। और जो यूएस एंटिटीज का पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के अंदर, R&D के अंदर, तो वो हमारे जो गवर्नमेंटल स्कीम्स है उनको सक्सेस बनाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोस्तों। तो ये है पूरा डिस्कशन रिगार्डिंग इंडिया यूएस रिलेशनशिप थ्रू द डिस्कशन ऑफ 2+2 एनुअल मिनिस्टीरियल डायलॉग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोस्तों। फ्रेंड्स, इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट इंडियाज लर्निंग पॉवर्टी दोस्तों। एजुकेशन के हिसाब से, GS2 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। अब जो वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर है फॉर एजुकेशन, उन्होंने अपनी कंसर्न जताई है कि जो बच्चे हैं दोस्तों उनका बच्चों का एजुकेशन का बहुत नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक दोस्तों, राइट। और ये जो नुकसान हुआ है इसको भरपाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, राइट। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है दोस्तों कि क्लासेस इरेगुलर हो गए दोस्तों, राइट, एंड ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है फॉर ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दोस्तों, राइट। अब जो इंडिया की लर्निंग पॉवर्टी है उसके अंदर 70% का इंक्रीज आया दोस्तों, 70% का इंक्रीज आया, राइट। और ये जो है पैंडेमिक की वजह से जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो और खराब हो गया दोस्तों, राइट। अब ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है दोस्तों और डिटेल्ड एनालिसिस और निकल कर आएगा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रथम का जो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन के ऊपर अगर आप चलेंगे दोस्तों, सो रूरल कर्नाटका के अंदर शेयर ऑफ Grade 3 स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू परफॉर्म सिंपल सब्सट्रैक्शन, इट फेल फ्रॉम 24% टू 16% हु आर एबल टू, नॉट एबल टू नहीं, हु आर एबल टू, यानी कि ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स 100 में से केवल 24 बच्चा था जो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकता था 2018 में। अब 2020 के अंदर केवल 16 बच्चा है ग्रेड थ्री के अंदर जो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकता है दोस्तों, राइट। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रकार का प्रॉब्लम है दोस्तों, राइट। तो इससे जो है बहुत बड़ा लर्निंग लॉस माना जाने लग रहा है कि जो बच्चे ने सीखा था अब वो लर्निंग उन्होंने खो दी है। जैसे आप लोग अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपका भी लर्निंग लॉस होता है दोस्तों, वैसे आप बच्चों का लर्निंग लॉस हो चुका है दोस्तों। तो लर्निंग पॉवर्टी का मतलब क्या है कि यू आर अनेबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ शॉर्ट एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय एज 10 दोस्तों, राइट। एज के अनुसार जो चीज़ आपको पढ़ के समझ में आनी चाहिए वो आपको पढ़ के समझ में नहीं आने लग रही है दोस्तों, राइट। अभी जो फाउंडेशनल स्किल्स है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन हम रीडिंग के ऊपर खास ध्यान देते हैं दोस्तों, राइट। जो रीडिंग प्रोफिशियंसी इट इज ईजिली अंडरस्टूड मेजर ऑफ लर्निंग दोस्तों, क्योंकि बहुत आसानी से मेजर करा जा सकता है, राइट।
लर्निंग इन एवरी अदर एरिया डिपेंड्स अपॉन रीडिंग प्रोफिशिएंसी। आज रीडिंग प्रोफिशिएंसी अगर होती तो एनसीईआरटी हिंदू वगैरह अपन अपने आप पढ़ लेते दोस्तों। आज एनसीईआरटी हिंदू आप लोग अपने आप नहीं पढ़ते हैं, फॉर द सिंपल रीजन, बुरा मत मानिएगा, कि रीडिंग प्रोफिशिएंसी है नहीं दोस्तों, राइट। सो जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है ये प्रॉक्सी है फॉर फाउंडेशनल लर्निंग्स। आप दूसरे सब्जेक्ट्स और स्कूल में क्या सीखेंगे डिपेंड करता है रीडिंग प्रोफिशिएंसी के ऊपर दोस्तों, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट, कि जेंडर गैप अगर आप कंपेयर करेंगे ग्लोबली, तो लर्निंग पॉवर्टी के अंदर जो है लड़कियां पीछे है, बिलो मिनिमम प्रोफिशिएंसी, आउट ऑफ स्कूल, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हर चीज के अंदर जो है आपको ये बता रखा है दोस्तों, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो लर्निंग पॉवर्टी, इट इज हायर फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स इन इंडिया, राइट। फर्स्ट जो है शेयर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इज हायर फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स। अब ये है दोस्तों थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रेरियन चीज है दोस्तों। नॉर्मली हम क्या उल्टा बोल देंगे दोस्तों, हम बोल देंगे कि यू नो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाते नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे सब हम लोग बोलेंगे और जस्टिफाई कर देंगे कि लर्निंग पॉवर्टी इज हायर फॉर गर्ल्स देन बॉयज, बट उल्टा है दोस्तों। लर्निंग पॉवर्टी हायर है लड़कों के केस के अंदर, बदमाश है पढ़ते नहीं होंगे दोस्तों। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी हायर है फॉर बॉयज देन फॉर गर्ल्स, राइट। एंड बॉयज जो है दे आर लेस लाइकली टू अचीव मिनिमम प्रोफिशिएंसी एट द एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल देन गर्ल्स दोस्तों। तो बॉयज का जो एजुकेशनल आउटकम ज्यादा खराब आने लग रहा है, ये प्रकार से यहाँ पर बता रखा है दोस्तों, राइट। ऑफकोर्स देर इज अ वरिंग इंक्रीज दोस्तों, जो लर्निंग पॉवर्टी और एसोसिएटेड चैलेंजेस में इंक्रीज आया दोस्तों, फॉर द सिंपल रीजन दैट स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्लोज डाउन हुए दोस्तों। जो हमारा स्कूल सिस्टम वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों जो स्टडी कोड्स दैट मेनी चिल्ड्रन ग्लोबली दे कैनॉट रीड प्रोफिशियंटली दोस्तों, देर इज लर्निंग पॉवर्टी, राइट। 55% ऑफ द चिल्ड्रन इन द कंट्री एट द लेट प्राइमरी एज दे आर नॉट एबल टू रीड करेक्टली दोस्तों, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, इम्प्लीकेशन खराब ही है। वे फॉरवर्ड क्या है कि स्कूल्स को रीओपन करिए, राइट, बच्चों को री एनरोल करिए, उनको ब्रिज कोर्सेज कैचअप लर्निंग करवाइए, राइट। टीचर्स को बोलिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू स्टूडेंट्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करिए, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करिए ताकि वो सप्लीमेंटल रोल प्ले कर सके। एंड ऑफकोर्स एजुकेशन सेक्टर के अंदर बजटरी एलोकेशन को इंक्रीज करिए टू एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बोला गया है। तो ये सारे स्टेप्स लेने की वजह से क्या होगा ना दोस्तों, कि हमारा जो परफॉर्मेंस इन द एजुकेशन सेक्टर और जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे आउटकम्स है उसके अंदर हमारे को एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट कोस्टल इरोजन दोस्तों। कोस्टल इरोजन इज अ टॉपिक रिलेटेड टू ज्योग्राफी, दैट इज GS1। सो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जो है उन्होंने लोकसभा के अंदर इन्फॉर्म करा है कि 6,907 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया की जो कोस्ट लाइन है तो उसके अंदर जो है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर दोस्तों वेरिंग डिग्री ऑफ कोस्टल इरोजन होने लग रहा है दोस्तों, राइट। अब जो ये सारी चीजों को रिसर्च करने लग रहा है वो है आपका नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो कि चेन्नई के अंदर बेस्ड है दोस्तों। अगर आपको कभी भी पूछे इसका लोकेशन क्या, तो आपको मालूम होना चाहिए चेन्नई। आपको पूछे कि ये किसका अटैच्ड ऑफिस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का अटैच्ड ऑफिस है। और 1990 से जो है ये शोरलाइन इरोजन को जो है मॉनिटर करने लग रहा है दोस्तों, ठीक है। सो 6,907 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन को जो है ये करा जा रहा है दोस्तों, राइट। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इंसॉइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इन्होंने प्रिपेयर पब्लिश करा एक एटलेस ऑफ कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स दोस्तों, और एंटायर कोस्ट लाइन को जो है मैप करा जाने लग रहा है। तो इसके अंदर क्या करने लग रहे हैं कि जो सी लेवल राइज है, राइट, कोस्टल स्लोप है, शोर लाइन चेंज रेट एटसेट्रा, तो ये सारे प्रकार के डेटा को जो है यूज करा जाने लग रहा है दोस्तों, ठीक है। नाउ इफ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कोस्टल इरोजन, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो लैंड है वो इतना लूज हो रहा है या डिस्प्लेस होने लग रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स या रॉक्स होने लग रहा है, राइट। क्यों हो रहा है? बिकॉज वेव्स, करंट्स, टाइड, विंड ड्रिवन वाटर, वाटरबोर्न आइस, ये सारी चीजों की वजह से जो है आपका जो शोर है, आपका जो लैंड है वो इरोड होने लग रहा है दोस्तों, वो अपनी जगह छोड़ने लग रहा है दोस्तों, राइट। सो परसेंटेज वाइज अगर आप असेसमेंट करेंगे, राइट, तो यहां पर जो है काफी सारी चीजें बता रखी है दोस्तों, राइट, कि 34% इज अंडर वेरिंग डिग्री ऑफ इरोजन, ठीक है। 26% ऑफ द कोस्ट लाइन जो है एक्रीटिंग नेचर की है, रिमेनिंग 40% जो है स्टेबल नेचर की है, यानी कि जो टोटल 100% हमारी कोस्ट लाइन है उसमें से 34% जो है इरोड होने लग रही है, 26% जो है वो बिल्ड होने लग रही है यानी कि अक्रीट होने लग रही है, और 40% स्टेबल है यानी कि ना तो उसमें कोई बिल्डिंग हो रही है ना उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन होने लग रहा है, दोनों ही चीजें नहीं होने लग रही है। तो ये नंबर्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नंबर्स है आपके दोस्तों, राइट। परसेंटेज टर्म्स के अंदर अगर बात करें तो दोस्तों बड़ी सी टेबल बना के यहाँ पर दे दी है दोस्तों, स्टेट वाइज असेसमेंट करेंगे अगर आप, तो राइट,
तो यह इस पर क्या समझ में आएगा आपको, है ना, कि परसेंटेज टर्म में सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ पर होने लग रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो जो आपको पुडुचेरी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन होने लग रहा है, छोटी सी है मैट वो बात अलग है। केरला के अंदर बहुत ज़्यादा इरोजन होने लग रहा है, वहाँ पर जो कोस्टल सैंड माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा करी जाती है। तो दोस्तों इट इज़ अ मेजर 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 प्रॉब्लम दोस्तों, राइट। तो अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, राइट, सो 60% ऑफ द कोस्ट जो है उसके अंदर इरोजन देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इरोजन दोस्तों जो है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आ रहा है। केरला के अंदर अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इरोजन है दोस्तों, तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी, तो ये मेजर जो है इरोजन प्रोन आपके इलाके है दोस्तों। अब कोस्टल इरोजन होने का कॉज बहुत आसान है दोस्तों, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक एक्शन है, जब वेव स्ट्राइक करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है जो वेव्स हैं वो लोग नेचुरली जो है कोस्ट को तो इरोड करेंगे ही दोस्तों, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एट्रीशन होता है दोस्तों, जो आपके बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स, बड़े बड़े रॉक्स है कोलाइड हो के छोटे हो जाते हैं, तो उनका जो है इरोजन फिर इजी हो जाता है दोस्तों। सल्यूशन वाला प्रोसेस है, सी वाटर जो है सर्टेन रॉक टाइप्स को जो है डिजोल्व कर देता है, चॉक लाइमस्टोन प्रकार के, तो उसकी वजह से इरोजन होता है। अब्रेजन होता है दोस्तों, चीजें आपस में टकराती है, राइट, उनमें वो टूटती है, खत्म होती है, तो ये सारे नेचुरल फैक्टर्स तो है ही है दोस्तों, राइट। उसके अलावा देर आर सेकेंडरी फैक्टर्स ऑल्सो दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लोप की हाइड्रोलॉजी, वेजिटेशन, क्लिफ का फॉर्मेशन कैसा है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों। तो नेचुरल तो हमारे को इरोजन से डरना ही नहीं है, वो तो होगा ही दोस्तों, है ना, हजारों साल से होता है। लेकिन प्रॉब्लम वाले में क्या है कि जो ये टर्शरी फैक्टर्स है कि हम लोग कोस्ट के ऊपर से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है दोस्तों, राइट। सो वे फॉरवर्ड ये है दोस्तों कि आपको जो है हार्ड इरोजन कंट्रोल मेजर देने पड़ेंगे जो परमानेंट सोल्यूशन है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सी वॉल, ग्रॉइंस, ये सेमी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कोस्ट को प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों, राइट। अब ये इम्यून नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बर्बाद होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को रिफर्बिश रीबिल्ड करना पड़ेगा, बट आप इन प्रकार के स्ट्रक्चर्स को बनाने के बारे में सोच सकते हो ताकि जो कोस्टल इरोजन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा खराब है उसको वहां पर रोका जा सके दोस्तों। अब जैसे एक सी वॉल को जो है 50 से 100 साल तक का उसका एज रहता है दोस्तों, राइट, जो ग्रॉइन है उसका 30 से 40 साल तक का एज रहता है, उसके बारे में हमारे को सोचना चाहिए दोस्तों, राइट। उसके अलावा देर कैन बी सॉफ्ट स्ट्रेटेजीज दोस्तों, जो टेम्परेरी ऑप्शन है जो स्लो डाउन करेंगे। अब जैसे सैंड बैंक, बीच नरिशमेंट, राइट, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, शॉर्ट टर्म है दोस्तों। बीच स्क्रेपिंग, बीच बुलडोजिंग, राइट, तो ये सारी चीजों को करा जा सकता है दोस्तों, राइट। लिविंग शोर लाइन्स का कंसेप्ट है दोस्तों, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड वेजिटेशन, राइट, सो ये जो शोर लाइन्स है दे यूज प्लांट एंड अदर नेचुरल एलिमेंट्स दोस्तों, राइट। तो ये ज्यादा रेजिलियंट है, जैसे आपका मार्शी मैंग्रोवी प्रकार का जो इलाका है जहां पर वेजिटेशन आती है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि वो कोस्ट को पकड़ के रखते हैं दोस्तों, जाने नहीं देते, इरोजन उसका मुश्किल कर देते हैं दोस्तों, राइट। अब जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं फार्दर अवे फ्रॉम द कोस्ट, तो वहां पर जो ड्रिलिंग ड्रिलिंग करोगे, जो उस सब एक्टिविटी करोगे, तो उसकी वजह से जो बर्बादी होगी वो कम होगी दोस्तों। तो दीज आर ऑल द बेसिक फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दोस्तों। एक और बड़ा टॉपिक जो हमारे सामने आएगा, सो फ्रेंड्स इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट ओपोजिशन फॉर हिंदी एज कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लास्ट 2-3 डेज से जो है कंटिन्यूअसली मैं अपनी एडिटोरियल्स की क्लास के अंदर ये मैटर को डिस्कस करने लग रहा हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अंदर बोल दिया था दोस्तों कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स है उनको जो है हिंदी को यूज करना चाहिए इंग्लिश के फेवर के अंदर, एज कम्पेयर टू इंग्लिश उन्हें हिंदी यूज करना चाहिए फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन एटसेट्रा दोस्तों, राइट। और काफी सारी बातें, मतलब इस प्रकार से विवादित प्रकार का बयान जो है आ गया था दोस्तों। उसके अलावा आज ही के एडिटोरियल के एक्सरसाइज के अंदर वी वर डिस्कसिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को कंपलसरी बनाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, राइट। और मैं आज ही की सुबह की एडिटोरियल क्लास के अंदर बताने लग रहा था दोस्तों कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट मूव हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए वहां पर, क्योंकि हिंदी उनकी मदर टंग नहीं है दोस्तों। अगर 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी को कंपलसरी बना देंगे तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा दोस्तों, राइट। तो ये जो मूव है दोस्तों, इसकी वजह से काफी लोग अनॉइड है, काफी लोग परेशान है दोस्तों। सो होम मिनिस्टर ने अर्लियर कहा था कि हिंदी जो है उसको कंपलसरी बनाएंगे अप टू क्लास 10th, राइट, ये लैंग्वेज ऑफ इंडिया है दोस्तों, राइट। उन्होंने कहा कि 22,000 टीचर्स की नियुक्ति करी जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। उन्होंने क्लैरिफाई करा कि हिंदी एक ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश, राइट, लोकल लैंग्वेजेस को रिप्लेस नहीं करा जा रहा है, इंग्लिश के बदले हिंदी पढ़ाने की बात करी जा रही है दोस्तों। अब जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ऑब्वियसली उन्होंने अपोज करा है, उन्होंने कहा कि हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंग्लिश प्रिफर्ड मीडियम है, राइट, लोकल टंग तो चाहिए ही चाहिए,
तो हिंदी ऑप्शनल, बच्चों को पढ़ना पड़े नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उन्होंने इस मूव को कंडेम कराया, क्या ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है दोस्तों। वो कहने लग रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट जाने लग रहा है। आज का अगर आपने एडिटोरियल एक्सरसाइज में मेरे साथ पार्टिसिपेट करे तो उसमें भी एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है दोस्तों कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है और स्टेट्स सारे स्टेट सेंटर के साथ मिलकर एक फेडरल फ्रेमवर्क के विद इन काम करने लग रहे हैं। सेंटर अपने आप को थोप नहीं सकता है दोस्तों। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर लिंग्विस्टिक जो अलीजियंसिस है, जो लिंग्विस्टिक मूरिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, जो रीजनल सब नेशनलिज्म अराउंड द इशू ऑफ लैंग्वेज वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। तो उसको जो है आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, राइट, तो वो तो क्या करता है दोस्तों कि जो आपके ट्राइबल एरियाज है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर, उनको डायरेक्टली सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, राइट। स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 244-275 के अंदर दोस्तों, राइट। आप लोगों के पास जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इन एरियाज के अंदर दोस्तों, जो कि इन एरियाज के जो ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स को सेफगार्ड करेगा दोस्तों, राइट। सो ये सारे प्रोविजंस क्रिएट कर रखे हैं, आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों इन प्रोविजंस को, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों मैटर ऐसा है कि हमारे को हिंदी की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। नो डाउट हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। 2011 के लिंग्विस्टिक सेंसस के हिसाब से इंडिया में 121 मदर टंग्स है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम 22 लैंग्वेज, जो उनमें से केवल 22 जो है 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है। नो डाउट हिंदी जो है 43.6% ऑफ द पॉपुलेशन की मदर टंग है, राइट। नेक्स्ट हाईएस्ट जो है वो आपका बंगाली है दोस्तों, जो 8% की मदर टंग है दोस्तों, राइट। काउंट क्रॉसेस मोर देन हाफ द कंट्री दोस्तों, अगर आप पूछें कि कितने लोगों को हिंदी में बात करनी आती है तो मोर देन 50% नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी दोस्तों, राइट। जो 11% है दोस्तों वो बोलते हैं कि हिंदी उनकी सेकेंड लैंग्वेज है, राइट। सो इट इज आइदर द मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज फॉर नियरली 55% ऑफ द पॉपुलेशन। अब आपको रिस्पेक्ट ये करना पड़ेगा दोस्तों कि ये मदर टंग या सेकेंड टंग ओनली 55% ऑफ द पॉपुलेशन की, यानी कि रिमेनिंग 45% की ना तो ये मदर टंग है ना ये सेकेंड टंग है। अब उनके ऊपर अगर आप उठा के थोप दोगे, वो बोलोगे कि हिंदी में बात करो, हिंदी में लिखो, हिंदी में ये, हिंदी में वो, तो उनको ऑब्वियसली गुस्सा आएगा दोस्तों। उनको लगेगा कि ये तो हमारे ऊपर जो है इम्पोजिशन करा जाने लग रहा है दोस्तों, राइट। सो हिंदी जो है इट हैज बीन इंडियाज प्रीडोमिनेंट मदर टंग, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों कि वी कैन नॉट इम्पोज दिस लैंग्वेज दोस्तों। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, राइट, सो इंग्लिश इज वन ऑफ द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राइट, बट इट इज नॉट मेंशन इन द 8 शेड्यूल एज अमंग द 22 लैंग्वेजेस दोस्तों, राइट। सो इट इज वन ऑफ द 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस, राइट। सो इंडिया के अंदर मदर टंग्स के अंदर अगर बात करेंगे तो ओनली 2.6 लाख इंग्लिश स्पीकर्स थे, इट्स अ टाइनी फ्रैक्शन दोस्तों। एंड एज अ सेकेंड लैंग्वेज की बात अगर आप करेंगे तो इंग्लिश इज द प्रिफर्ड लैंग्वेज ओवर हिंदी इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि लोग इंग्लिश को अपनी सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर लोकल लैंग्वेज दोस्तों, राइट। सो ये प्रकार से जो इंग्लिश का अपना प्रिडोमिनेंस, अपना इंपॉर्टेंस है इन सर्टन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, एंड वी कैनॉट जस्ट ओवरराइड दोज कंसर्न्स जस्ट लाइक दैट दोस्तों। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी दिया गया है दोस्तों। इस 8 शेड्यूल के अंदर पांडे जी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को जो है लिस्ट करा गया है दोस्तों, राइट। जो आपका पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, जो आर्टिकल 343 है वो लैंग्वेजेस के इशू के साथ जो है डील करता है दोस्तों, राइट। सो आर्टिकल 344(1) जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की, राइट। आर्टिकल 345 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की, राइट। उसके अलावा जो है आर्टिकल 351 बात करता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज का फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन को जो है असिमिलेट करवाना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों। जो आपका 8 शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस है वो आपको याद करनी रहेगी दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये सारे इश्यूज जो है लैंग्वेज के इश्यूज इंपॉर्टेंट इश्यूज है दोस्तों। उसके अलावा दो टॉपिक छोटे यहाँ पर जो इंक्लूडेड है वो है आपका EBCAS प्रोजेक्ट, राइट। सो बेसिक बात ऐसा है कि ये ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दे रखा है कि इंटरनल प्रोसेस को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इम्प्लीमेंट करना चाहती है BCAS प्रोजेक्ट दोस्तों, राइट। सो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने ये EBCAS इनिशिएटिव ले रखा है दोस्तों, राइट। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर जो काम है वो ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट तरीके से होने लग जाएगा, राइट। उसकी वजह से जो अप्रूवल्स एटसेट्रा है, जो फाइल का मूवमेंट है, डूइंग बिजनेस है, उसके अंदर भी आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। और ये टॉपिक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है वो है आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट दोस्तों, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये जो 6 पैरामीटर्स है, राइट, इन्हें यूज करा जा रहा है दोस्तों, राइट।
उसके अलावा ये जो 6 पैरामीटर्स इनको हमने 27 इंडिकेटर्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है। सो ये पूरा मैटर ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग इट अगेन। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट इज दैट देयर आर सर्टेन सजेशंस दोस्तों, राइट। सो वी नीड टू डेवलप अ रोबस्ट मैकेनिज्म ताकि डेटा कैप्चर हो सके, राइट। पार्टनरशिप और सिनर्जी के साथ काम करना है ताकि एनर्जी एंड क्लाइमेट रिलेटेड गोल्स को अचीव करा जा सके और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बना जा सके, राइट। पॉलिसी एनवायरनमेंट को हमारे को कंड्यूसिव बनाए रखना है ताकि जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन वाला इंडिया के अंदर आता रहे दोस्तों। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट है ऑब्वियसली उन्हें डॉक्यूमेंट करके डिसेमिनेट करना है ताकि बाकी स्टेट्स भी एक दूसरे से लर्न कर सके दोस्तों। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन फॉर टुडे दोस्तों। यूजुअली जैसे एक घंटा लगता है वैसे लगा, और इन सारे टॉपिक्स को मैंने आपके साथ डिस्कस करा है दोस्तों। 4th US India 2+2, अमित शाह सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, रविचंद्रन अश्विन, ध्रुव हेलीकॉप्टर, कदम, राइट, नीलामणि फूकन, माधवपुर घेड़ फेयर इन गुजरात, नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, DRDO का हेलिना का टेस्टिंग, राइट, उमिया माता टेम्पल, विकास सिरी संपत स्कीम कर्नाटका के अंदर, राइट, बाबर आजम को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ, रेचल हेन्स को प्लेयर ऑफ द मंथ ICC द्वारा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यूरी गैगरिन, शिव कुमार सुब्रमण्यन पासवे हो गए, नेशनल सेफ मदरहुड डे, कस्तूरबा गांधी का बर्थडे है, April 11th वर्ल्ड पार्किंसन डे, अप्रैल पार्किंसन मंथ, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, 4th एनुअल US इंडिया 2+2, इंडिया की लर्निंग पॉवर्टी, कोस्टल इरोजन, ऑपोजिशन फॉर हिंदी एज कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट, EBCAS प्रोजेक्ट एज वेल एज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करा है दोस्तों। आई विल शेयर दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो विद दिस आई विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड। यश स्नेहाशीष पांडे जी एज वेल एज एवरीबडी हु इज देयर राइट नाउ, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। विल मीट अगेन। Until then, dosto, I would like to take your leave. Thank you very much. All the very best and Jai Hind, dosto. Thank you very much.